वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम पहुंच चुके हैं मैप्रो गार्डन, और सबसे पहले हम पहुंचे रेस्टोरेंट में। ये देखिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पे ऑर्डर के लिए। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोस्टली यहाँ पे लोग आके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत भीग गई थी, तो मैंने आइसक्रीम ट्राई नहीं किया। लेकिन गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी फेमस है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी की फार्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉबेरी अभी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं था, स्ट्रॉबेरी निकाली जा चुकी है, वापस से लगाई जा रही है, तो ये फार्म में अभी स्ट्रॉबेरी नहीं दिख रही है। मेरा फ़ोन आते ही डेड हो गया था, तो ये वाले जो सीन है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अंकिता के फ़ोन से। तो मैप्रो गार्डन में आपको गार्डन तो दिखेगा, ये देखिए कई सारे वैरायटीज़ के फूल मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए कूद फांद रहे हैं बच्चे। ऑर्डर करके हम इधर उधर टहल रहे थे, इतने में हमारा ऑर्डर आ गया, तो अब हम वापस जा रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठने और बैठ के कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। कैसे करोगे तुम? कैसे है ये? ये भी माइस्टर है। आज ही कौन कॉफी लाएगा? बजी है ना? तो दोस्तों ये देखिए, ये लेके जा रहे हैं ग्लास, पानी के ग्लास। आपको वहाँ पे पानी के ग्लास मिल जाएंगे, आप प्यासे हैं तो ग्लास रखे रहते हैं और आप पानी पी सकते हैं। ये देखिए ये है आउटडोर वाला रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन बारिश हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं बैठा था। वीडियो में नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो बारिश थी वो काफ़ी हो रही थी, इतना कि आप भीग तो जाएंगे, लेकिन कोई रुका नहीं था। सब फोटो खिंचाने में, वीडियो बनवाने में लगे हुए थे कि क्यों ना खिंचवाए, क्योंकि यहाँ इतनी प्यारी जगह है, इतनी सारी ग्रीनरी थी, इतने सारे पौधे थे, जहाँ पे आप खड़े हो जाए वहाँ पे आपको अच्छी फ़ोटो मिल जाती है। यहाँ पे उसके अंदर स्ट्रॉबेरी के अंदर स्ट्रॉबेरी थोड़ी थी। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैप्रो गार्डन है क्या? मैप्रो एक कंपनी है जिसके स्ट्रॉबेरी की फार्म्स हैं और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। और यहाँ मैप्रो गार्डन में आप जब आएंगे तो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, और यहाँ पे फार्म तो है लेकिन अभी स्ट्रॉबेरी इसका सीज़न नहीं था, तो स्ट्रॉबेरी हमें देखने को नहीं मिली। तो बाकी आप यहाँ पे आके थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अच्छी जगह है, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि इनका एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैप्रो के प्रोडक्ट मिलेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, सिर्फ मैं अकेली नहीं थी जिसको फ़ोन चार्ज करना था, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ोन चार्ज पे लगा दिए थे, रेस्टोरेंट में दे दिया था, जहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे वहीं पे दे दे रहे थे अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वो नहीं है, फार्म नहीं
वहाँ पे वो स्ट्रॉबेरीज आती होंगी मुझे लगता है पैक होके। एग्जिट कहाँ से है? यही एग्जिट, यही सब उसे बोला हूँ। हाँ तो इधर से आए थे क्या? नहीं नहीं पक्का। हाउ डू यू नो मुझे? तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना मैप्रो का शॉपिंग सेंटर है वो यहीं पर है मैप्रो गार्डन के अंदर, और ये रहा वो शॉपिंग सेंटर जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैप्रो के प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैप्रो के जूसेस मिलेंगे, यहाँ पे टॉफ़ी है मैप्रो की, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जूस ट्राई कराया जाएगा, अगर आपको पसंद आता है तो वो आप ख़रीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्री सैंपल दिया जा रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि इसमें बर्फ़ डाल के दे रहे थे और बहुत ठंडा था, मुझे ऑलरेडी ठंड लग रही थी। ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि मैप्रो गार्डन आप जा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फार्म देख सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैप्रो गार्डन से निकलते ही बारिश बहुत तेज हो गई थी, आपको दिख ही रहा होगा। मेरा फ़ोन थोड़ा चार्ज हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ। और अब हम वापस जा रहे हैं और वेना लेक की तरफ से गुजरेंगे। डोंट वरी, मैं वेना लेक वापस से नहीं दिखाने वाली हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि रास्ते कितने सुंदर हैं और बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैप्रो गार्डन से निकलते ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारे फार्म मिलेंगे, और मैप्रो गार्डन थोड़ा फेमस है तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। मैप्रो के अलावा एक और बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था माला करके था, लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे, मैप्रो गए थे। और साथ ही साथ आपको कई सारे अम्यूज़मेंट पार्क दिख जाएंगे, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन पूरा खाली दिख रहा था और बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा था तो हम लोग नहीं गए। हमारा डेस्टिनेशन अभी कुछ और था, हमें कहीं और जाना था क्योंकि हमें रहने का भी जुगाड़ करना है। अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है कि कहाँ हम रहेंगे, तो अब मौसम ख़राब हो रहा है, शाम भी होने वाली है, तो हमें जल्दी से पहुँच के जुगाड़ करना है रहने का। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि हम वेना लेक वाले रास्ते से गुजरेंगे, देखिए इसके सामने ही वेना लेक था, मैंने आपको ये दिखाया था, यहीं पे घोड़े वोड़े थे दूसरे साइड पे। ये रहा वेना लेक से हम गुजर रहे हैं वापस जाने के लिए, और चल के अब देखते हैं कहाँ हम रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, हमारे माइंड में एक जगह है जो कि हम जा रहे हैं देखने के लिए, वो है MTDC रिज़ॉर्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये रिज़ॉर्ट है और इसके बारे में काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छा है, तो चल के देख लेते हैं कि कैसा है, अगर सही लगता है तो हम वहाँ रुकेंगे, अदरवाइज़ कुछ और देखेंगे। एक चीज़ और बता दूँ कि ये गवर्नमेंट का रिज़ॉर्ट है तो इसीलिए ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होगा, और रिज़ॉर्ट है तो बहुत सुंदर भी होगा, ये तो गारंटीड है। और चलिए चलते हैं और चल के देखते हैं कैसा है MTDC रिज़ॉर्ट।